स्टार्ट लेते हैं जी। कंजॉइनिंग मिस्टेक कह लें या मिस्टेक्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन की स्टूडेंट्स थ्री टाइप्स हैं बेसिकली, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको नजर आ रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। थोड़ा सा हमने इनका जिक्र जो है वो लाजमी तौर पर हमने पढ़ा हुआ है जी, उसके अंदर जो हमारी क्या नाम थी सेट, हमने सिंथेसिस किया था सेंटेंस को, ज्वाइनिंग सीखी थी, थोड़ा सा हमने उसके अंदर ये काम किया जरूर था। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे पहली काइंड जो हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स बेसिकली आप लोगों की वो अगर आप गौर करें तो उसके रूल्स हमारे पास हैं कि ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करती हैं, ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। क्लॉज आप पढ़ चुके हैं कि जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होगा वो एक क्लॉज है, और वो क्लॉज जो अपने कदमों पर सेपरेटली स्टैंड कर सकती है, जो लाजमी तौर पर अपने आप को एक अलग सेंटेंस के तौर पर लेकर आ सकती है, वो हमारी एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाती, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है। और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है असल में ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ही ज्वाइन करती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको याद करवाता हूँ, याद है आपको तब आपने सिंथेसिस में मैंने फैन बॉयज का जिक्र किया था, अगर आपको याद हो। मैं माउस की मदद से लिख रहा हूँ, दैट इज वाई थोड़ा सा ये स्टाइल आ रहा है जी। फैन बॉयज, अगर आपको याद हो तो मैंने फैन बॉयज का जिक्र किया था, पंखा लड़के, इससे आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा याद रहेंगी। फैन बॉयज का जो एफ है वो फॉर के लिए, बिकॉज का मीनिंग नहीं का फॉर जब कंजंक्शन के तौर पर आएगा, ए एंड के लिए, एन नॉर के लिए, बी बट के लिए, ओ और के लिए, वाई येट के लिए, और एस सो के लिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, के ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करती हैं। सेकेंड चीज, ज्वाइन इक्वल ग्रामेटिकल यूनिट्स। अब इक्वल ग्रामेटिकल यूनिट से मुराद है कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से, और ऑब्जेक्ट को क्लॉज को क्लॉज से। इक्वल का मतलब है देखो, अगर ये एडवर्ब को जोड़ेगी तो एडवर्ब से जोड़ेगी, एडजेक्टिव से नहीं जोड़ेगी। कंजंक्शन ज्वाइन करती होती है ना, कंजंक्शन मीन्स वर्ड्स दैट ज्वाइन। तो जो इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये या तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाती हैं कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला देंगी, आई प्लेड क्रिकेट एंड आई रेस्टेड, तो आई रेस्टेड आई प्लेड क्रिकेट को इसने ज्वाइन कर दिया, या फिर दो नाउंस को जोड़ेगी असलम एंड अकरम, दो एडजेक्टिव्स को जोड़ेंगी कि इंटेलिजेंट एंड टॉल बॉय, इंटेलिजेंट एंड टॉल, दो एडजेक्टिव्स जुड़ गए, दो सब्जेक्ट्स जोड़ सकती है, दो वर्ब्स, दो क्लॉजेस, मतलब इक्वल ग्रामेटिकल यूनिट्स, इक्वल बिल्कुल भी। मैं अक्सर कहता होता हूं कि जो कंजंक्शंस होती है ना, ये कैसी एल्फी है जो लोहे को लोहे से तो जोड़ती है लेकिन कभी भी लोहे को प्लास्टिक से जोड़ती नहीं है, नेवर एवर, ये हमेशा लोहे को लोहे से जोड़ती होती है। तो रिमेंबर व्हेन यूजिंग अ कंजंक्शन टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यूज अ कॉमा बिफोर द कंजंक्शन। जब आप एक कंजंक्शन यूज कर रहे हूं तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने को, वर्ड्स नहीं कि आप नाउन को नाउन से जोड़ रहे, एडवर्ब को एडवर्ब से, या एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग कि जब ये दो क्लॉजेस को जोड़ती हैं तो कॉमा जरूर लेती हैं। मैं चलो इसकी आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ये इस साइड पे कर देता हूं, अभी आप इसकी एग्जांपल देखिए। आई एम अ नाइट ओल, आई एम अ नाइट ओल, बट शी इज एन अर्ली बर्ड। देखो दो क्लॉजेज हैं, क्लॉज कैसे पता लगा, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, सब्जेक्ट वर्ब आ गया तो दो क्लॉजेज हैं, तो ये भी एक क्लॉज है, आई एम अ नाइट ओल, आई सब्जेक्ट, एम वर्ब, तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ने जोड़ दिया फैन बॉयज ने। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का दूसरा नाम फैन बॉयज कह रहे होते, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, हर एक का फर्स्ट अल्फाबेट बना के एक्रोनिम बनाया हुआ है। तो गौर करें, हमने कॉमा लगाया, गौर करें, ये आपको बट से पहले कॉमा लगा हुआ नजर आ रहा है।
आई एम अ नाइट ऑल कॉमा बट शी इज एन अर्ली बर्ड, लेकिन वो एक अर्ली बर्ड है। गौर करें, ये कॉमा आपको चाहिए ही चाहिए, और अक्सर ये कॉमा हम मिस कर देते होते हैं। ऑल दो पंक्चुएशन को इतना बड़ा एरर नहीं समझा जाता, बट ये आना चाहिए। क्वेश्चन है जी हसन का, सर अगर फार बिकॉज के मीनिंग में हो यूज होगा तो एवरी टाइम उससे पहले कॉमा जरूरी है? नहीं, बेसिकली आप जब दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, तो हम लगा रहे होते हैं। और जो फॉर है ना आता तो बिकॉज के मीनिंग में, यूजली ये आपका कॉमा लेता है। क्यों? क्योंकि ये अक्सर क्लॉजेस को जोड़ता नजर आएगा आपको, ये जो फॉर है। और जैसे मैं देता हूं, आई कुडंट हेल्प हिम फॉर ही वॉज एंग्री विद मी, बिकॉज ही वॉज एंग्री विद मी, फॉर ही वॉज एंग्री विद मी। लेकिन बिकॉज के साथ कॉमा नहीं लगेगा, ये फॉर के साथ है, क्योंकि फैन बॉयज में फॉर मौजूद है। मैं उसकी मदद ना कर सका क्योंकि वो मेरे साथ नाराज है, तो आप लगा रहे होंगे उस फॉर से पहले कॉमा। ठीक है जी, मारिया खान ने बड़ी मजे की बात की है ऑक्सफोर्ड कॉमा की, लेकिन ऑक्सफोर्ड कॉमा बेसिकली पंक्चुएशन में जाके देखेंगे, पंक्चुएशन के टॉपिक में ऑक्सफोर्ड कॉमा होता क्या है। ऑक्सफोर्ड कॉमा असल में फैन बॉय से पहले आने वाला कॉमा, यूजली एंड से पहले, कि जब हम एक लिस्ट गिन रहे हैं और लिस्ट की जो आखिरी आइटम है वो इस तरह की आइटम है कि अगर मैं उससे पहले कॉमा ना लगाऊं तो मीनिंग खराब होने का खतरा है, तो उसको हम फिर ऑक्सफोर्ड कॉमा कह रहे होते हैं, और दैट इज वाई अक्सर वहां हम कॉमा लगा लेते होते हैं। जैसे मैं यूं कह दूं कि आई लाइक टॉम एंड जेरी, देन आ जाए जी हम मोटू एंड पतलू एंड हम्प्टी एंड डम्प्टी। तो यहां एंड से पहले आप कॉमा लगाना पड़ेगा, एंड हम्प्टी एंड डम्प्टी आखिरी एंड, इस एंड से पहले हम्प्टी एंड डम्प्टी वाले से नहीं, एंड हम्प्टी एंड डम्प्टी। उसकी रीजन है कि जो लिस्ट आ रही है इसके अंदर खुद है वो एंड्स मौजूद है, और वो कॉमा वो क्या नाम लेते हैं, वो एक चीज बन रही है, टॉम एंड जेरी, मोटू एंड पतलू, हम्प्टी एंड डम्प्टी। तो मैं एंड हम्प्टी एंड डम्प्टी लगा रहा हूं तो उस एंड से पहले कॉमा नहीं ना लगाऊंगा, तो ऐसे लगेगा जैसे मोटू एंड पतलू एंड हम्प्टी एंड डम्प्टी एक ही कार्टून का नाम है, तो वो कॉमा ही शो कर देगा कि मोटू पतलू और कार्टून हैं और हम्प्टी एंड डम्प्टी डिफरेंट कार्टून है। आई डू होप कि आपको थोड़ा सा इस एंड से पहले कॉमा का, ऑल्दो ये पंक्चुएशन में जाकर हम इस ऑक्सफोर्ड कॉमा को ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। हसन इज सेइंग समथिंग, हम अक्सर ना डिविएशन का शिकार हो जाते हैं आपके क्वेश्चन से। डैश इज लाइक हॉलीडेज फॉर दे गेव हिम फ्रीडम फ्रॉम स्कूल बोरिंग वर्क। ठीक है जी, यस हसन, यहाँ कॉमा फॉर से पहले आपको लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यू मे पुट अ कॉमा देयर। चलिए वेलकम मारिया खान, अगर आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया ऑक्सफोर्ड कॉमा का। ओके, वी आर गोइंग टू अ जू एंड एन एक्वेरियम ऑन अ सेम डे। वी आर गोइंग टू अ जू एंड एन एक्वेरियम ऑन अ सेम डे, कि हम एक जू और एक्वेरियम में एक ही दिन जा रहे हैं, सेम डे जा रहे हैं। गौर करें, यहां एंड ने दो नाउंस जोड़े हैं, गौर करें, इक्वल एलिमेंट्स जोड़े हैं। कहां कहां जा रहे हैं? जू में, अ जू एंड एन एक्वेरियम, एक्वेरियम जहां सी लाइफ जो है वो पाली गई होती है, मछलियां वगैरह। तो जू एंड एक्वेरियम, और कॉमा क्यों नहीं लगा एंड से पहले? एंड फैन बॉय से, क्योंकि यहां दो क्लॉजेस ज्वाइन नहीं हुई, दो नाउंस ज्वाइन हुए, और कॉमा हम फैन बॉय से पहले तब लगाएंगे जब दो क्लॉजेस ज्वाइन हुए। शी स्वैम एंड देन शी एट, हम यहां दो क्लॉजेस ज्वाइन हुई थी, शी स्वैम एक क्लॉज थी, देन शी एट दूसरी क्लॉज थी, लेकिन यहां कॉमा यूजली मिस कर दिया जाता है जब क्लॉजेस बहुत छोटी हो, मतलब जब क्लॉज इतनी छोटी हो कि बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब ही हो सिर्फ एक तरह से, तो तब आप कॉमा इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो आई डू होप कि आपको ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और उसके यूज जो है वो शो हो गया होगा।
ठीक है जी। तो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन दूसरी काइंड जो है, पहले कंजंक्शन की काइंड करते हैं फिर इनके करेक्शन मुश्तरका करेंगे। सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये भी आपने सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में थोड़ा सा इसके बाद पढ़ ली थी कि ये क्या है जी, इफ दो ऑल दो एक ही मीनिंग है जी, दो ऑल दो का यूजली है, व्हेन व्हाइल अनलेस टिल आफ्टर बिफोर एज, एज चूंकि और क्योंकि के मीनिंग में, एज ही इज पुअर वी शुड हेल्प हिम, क्योंकि या चूंकि वो गरीब है, एज सून एज, ठीक है जी, इवन इफ व्हेन एवर बिकॉज एज इफ एज दो अनलेस, एज इफ एज दो का मतलब गोया के का होता है। इनका काम क्या है जी, ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ सबॉर्डिनेट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज को सबॉर्डिनेट क्लॉज से ज्वाइन करते हैं, मतलब क्लॉज का एक साइड इंडिपेंडेंट होती है और दूसरी एक सेंटेंस की सॉरी तो उसको एक सबॉर्डिनेट क्लॉज से जोड़ देते। एग्जाम्पल से समझ आएगी, एज इज इल, गौर करें, एक क्लॉज है, ही कैन नॉट कम, वो नहीं आ सकता, दो क्लॉजेस हो गए, ही कैन नॉट कम, वो नहीं आ सकता, एज इज इल, चूंकि वो बीमार है, तो चूंकि वो बीमार है, यूं कह ले क्योंकि वो बीमार है, वो हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज है। कैसे पता लगा सबॉर्डिनेट क्लॉज है, कि ही इज लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब आ गया, क्लॉज तो बन गई, लेकिन एज इज इल कंप्लीट थॉट नहीं है, क्लॉज तो है पर कंप्लीट थॉट नहीं है, एज इज इल को हम फुल स्टॉप लगा के लगा सेंटेंस का दर्जा नहीं दे पाए, ना दे सकते हैं, तो वो सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गई। ही कैन नॉट कम, वो नहीं आ सकता, हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो सबॉर्डिनेट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारी बेसिकली अगर आप देखें तो वो हमारी एक सबॉर्डिनेट कंजंक्शन बन चुकी है, तो वो सबॉर्डिनेट कंजंक्शन सॉरी हमारी आ चुकी है इसके अंदर एज, और एक इंडिपेंडेंट को सबॉर्डिनेट क्लॉज से ज्वाइन कर दिया। अगला देखें, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, अगरचे वो गरीब है वो ईमानदार है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, और एग्जांपल देखें, अगर मेहनत करोगे पास हो जाओगे, तो इफ यू वर्क हार्ड है जो है वो सबॉर्डिनेट है क्लॉज है, यू विल पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो जोड़ने का काम किसने किया, इस इफ ने, ये इफ जोड़ रहा है जी असल में, ये इफ में अंदर भी कर सकता हूं, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड आई सॉ हिम, या व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड असल में कि व्हाइल आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड आप कह लें, वो उन्होंने लगाया हुआ है, वो आई थोड़ा सा यहां मर्ज करके थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है, वरना आई सॉ हिम इंडिपेंडेंट है, व्हाइल आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड सबॉर्डिनेट है, तो इंडिपेंडेंट को सबॉर्डिनेट क्लॉज से जोड़ दिया। आइए जरा एक जुमला देखते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। जुमला देखें, इस सबॉर्डिनेट कंजंक्शन जो है उसके बाद अगर डिपेंडेंट क्लॉज आए तो आगे इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रही हो तो दरमियान में क्या आता है, कॉमा, ये भी पंक्चुएशन का रूल है, मैं आपको दिखाता हूं, सब में लगा हुआ है, ऑल्दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट। मैं सादा लफ्जों में बताऊं कि अगर सबॉर्डिनेट क्लॉज पहले और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आए तो दरमियान में कॉमा जरूर आएगा, सबॉर्डिनेट क्लॉज पहले और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आए तो दरमियान में कॉमा जरूर आएगा, ऑल्दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट, अगरचे गरीब है वो ईमानदार है, इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास, अगर तुम मेहनत करोगे पास हो जाओगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो गौर करें, इफ यू वर्क हार्ड सबॉर्डिनेट क्लॉज है और यू विल पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो दरमियान में आपको कॉमा लगा नजर आ रहा है। हाँ, अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाती फिर कॉमा नहीं आना था, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तो कॉमा नहीं आना था, बिल्कुल भी नहीं आना था। आई डू होप कि आपको ये मेरी बात पल्ले काफी हद तक पड़ गई होगी। ओके जी, तो सिंस ही पास्ड हिज एनुअल एग्जाम्स जॉन हैज बीन वेरी हैप्पी, तो गौर करें, सिंस ही पास्ड हिज इंग्लिश एग्जाम, पहले आ गया है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि वो अपना इंग्लिश एग्जाम पास कर लिया है, जॉन बहुत ही ज्यादा खुश है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं जी, कोरिलेटिव कंजंक्शन, कंजंक्शन की आखिरी काइंड, लास्ट काइंड, जिसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर जस्ट लाइक, गौर करें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस विद एन एडिशनल एडवर्बियल एलिमेंट, इस बात को भी समझ लेते हैं।
वो यहां हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, ये बेसिकली हमारी कोरिलेटिव कंजंक्शन जैसी है। बस कोरिलेटिव कंजंक्शन में एक चीज है कि एक एडिशनल एडवर्बियल एलिमेंट, मतलब एडिशनल एडवर्बियल एलिमेंट से मुराद क्या है वो मुराद मैंने एक्सप्लेन की है कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर ऑलवेज यूज इन पेयर्स, ये जोड़ों में इस्तेमाल की जाती है। नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आपने सुने हुए ये पेयर, नाइदर नॉर भी पढ़ते हैं, नीदर नॉर भी पढ़ते हैं। तो ये सारे जो कंजंक्शंस हैं जो पेयर्स में यूज हो रही हैं, ये कोरिलेटिव है। आपने फैन बॉयज देखा था, कोऑर्डिनेटिंग पेयर नहीं था, बाकी सारे फीचर कोऑर्डिनेटिंग के होंगे। कैसे, क्या पढ़ा था कोऑर्डिनेटिंग में, ज्वाइन इक्वल एलिमेंट्स, तो ज्वाइन इक्वल एलिमेंट्स। और खूबियों में दिखाता हूं, यू शुड एंटर बोथ, और बोथ का पेयर होता है एंड से, जब भी बोथ आता है आपको एंड लिखना आता है, बोथ असलम एंड अकरम, बोथ द डेट एंड द टाइम, डेट भी नाउन है नजर आ रहा है जी, टाइम भी नाउन है। तो आप गौर करें, इन्होंने दो नाउंस जोड़ दिए, दो नाउंस ज्वाइन हुए, यू शुड एंटर बोथ, और कौन सी चीजें, द डेट एंड द टाइम, के डेट और टाइम दोनों एंटर करने चाहिए आप, दोनों नाउंस है, तो दो नाउन ज्वाइन हो रहे हैं, ज्वाइन इक्वल एलिमेंट्स, सिमिलर एलिमेंट्स, कभी नाउन को वर्ब से नहीं जोड़ेंगे, कि बोथ के बाद भी वही चीज है एंड के बाद भी वही चीज है। अब आते हैं नीदर नॉर के साथ, नीदर के बाद भी नाउन है, जॉन्स फ्रेंड्स, जॉन्स फ्रेंड्स आ रहे हैं, नाउन है फ्रेंड्स, नॉर जॉन, जॉन भी नाउन है, तो दो नाउन्स ज्वाइन हो रहे हैं। फिर आपको लिखा नजर आ रहा है कि नीदर नॉर ने भी दो नाउन्स ज्वाइन किए, जॉन्स फ्रेंड्स, नीदर जॉन्स फ्रेंड्स, नॉर जॉन। आगे देखते हैं, ये पूरे पेयर आ गए जी आपके सामने, ढेर लगा दिया कि बोथ और बिटवीन का पेयर हम यूजुअली एंड से बनाते हैं, ऑल्दो बिटवीन एक प्योर कंजंक्शन तो नहीं है, प्रेपोजिशन है, लेकिन बिटवीन भी, बिटवीन असलम एंड अकरम, बोथ कंजंक्शन है। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो या एज वेल से बन रहा होता है, नॉट ओनली असलम बट ऑल्सो अक्रम या बट एज वेल अक्रम, वेदर का और से पेयर है, नो नॉट का पेयर बट से है, जैसे देर इज नो गॉड बट अल्लाह, कलमा तैयबा का तर्जमा किया जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और जस्ट एज का पेयर सो टू के साथ, अक्सर आप पढ़ते हैं ना, एज यू सो सो शैल यू रीप, वो असल में आप पूरा नहीं पढ़ते, असल पूरा जुमला है जस्ट एज यू सो सो टू शैल यू रीप, वो हम अक्सर एज यू सो सो शैल यू रीप ये हम कर देते हैं, जो बोगे वो काटोगे। आप यूं कह लें कि एज और सो का पेयर चल सकता है जो वो के मीनिंग में, जो वो, जो बोगे वो काटोगे, अगर तर्जमा करना है। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास है नो सूनर का देन से पेयर, नो अदर का भी देन से पेयर है, देन टी एच ए एन वाला है, ई एन वाला नहीं। नो सूनर आई रीच द स्टेशन या नो सूनर डिड आई सी हिम देन ही रैन अवे, जू ही मैंने देखा वो भाग खड़ा हुआ, जू ही जिस वक्त मैंने उसे देखा। और देखिए नो सूनर के बाद भी क्लॉज है, जरा चीज दिखाता हूँ, नो सूनर के भी बाद भी क्लॉज है और देन के बाद भी क्लॉज है, इक्वल एलिमेंट्स देखो, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ा। और ये भी देखो, दो आप अगर गौर करें तो दो नाउन्स जुड़ रहे हैं, नो के बाद भी गॉड नाउन है और लफज अल्लाह भी एक नाउन है। ईदर ही और हिज फ्रेंड्स, गौर करो ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, हाँ नाउन प्रोनाउन जुड़ सकते हैं क्योंकि प्रोनाउन नाउन के प्लेस पर ही आता है। तो बोथ का ये हो गया जी, हार्डली और स्केसली का पेयर व्हेन या बिफोर से बनता है, व्हेन ज्यादा यूज होता है, हार्डली और स्केसली, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, एज का पेयर और सो एज का पेयर, गौर करें सो एज एज, ये और चीज थी, ये थी एज और सो का पेयर, ये एज और सो था, एज और सो के पेयर में जो वो का मीनिंग था, ये एज एज या सो एज है, ये सो पहले और एज बाद में, यहाँ एज पहले और सो बाद में, जब ये एज एज और सो एज का पेयर बनता है तो मीनिंग इतना जितना का आता है। मैं आपको दिखाता हूं, ही इज एज टॉल एज हिज फादर इज, वो इतना लंबा जितना उसका फादर है,
इज नॉट सो टॉल एज हिज फादर इज, वो इतना लंबा नहीं है जितने उसके फादर है. तो एज एज और सो एज का पेयर इतना जितने का मीनिंग दे रहा होता है. और एज और सो का पेयर, जब एज पहले एज और सो बाद में, वो जो का मीनिंग देता है. अब एज एज कब यूज करना है, सो एज कब यूज करना है, मीनिंग तो दोनों का इतना जितना है. पॉजिटिव जुमला हो तो आपने एज एज यूज करना है, नेगेटिव जुमला हो तो आपने सो एज यूज करना है. देखे, ही इज एज टॉल एज हिज फादर इज, एज टॉल एज हिज फादर इज, इतना लंबा है जितना उसके फादर है. गौर करें, ही इज नॉट सो टॉल एज हिज फादर इज, वो उतना लंबा नहीं है जितना उसके फादर है. ही इज नॉट सो टॉल, तो उतना लंबा नहीं है जितने उसके फादर है. तो नेगेटिव जुमला था, मीनिंग इतना जितना का ही था. तो ले जी, सारी किस्म की कंजंक्शन जो थी खत्म होगी. अब इसके अंदर ना कुछ एडिशनल चीजें सीखते हैं, कुछ एडिशनल एलिमेंट्स को सीखने की तरफ हम जाएंगे, और वो एलिमेंट मैं इस स्लाइड पर लेकर आऊंगा. मुझे बताइए सेंटेंस कौन सा करेक्ट है. नीदर ही वर्क्स नॉर ही अलाउज अस, नीदर डज ही वर्क नॉर डज ही अलाउ अस, ओनली वन सेंटेंस इज करेक्ट. बताइए कौन सा करेक्ट है जी. जी स्टूडेंट्स, एवरी वन ऑफ यू, जी विच सेंटेंस इज करेक्ट, आप बोल के या टाइपिंग में बता सकती हैं. ले जी, मेरे पास आंसर आ गए. यस मारिया खान, बट ऑल्सो एज, बट एज वेल का सेम मीनिंग है जी. ए बी फर्स्ट ए, बहुत सारे लोग ए पर खड़े हैं, बी पर सिर्फ आए हैं जी कमर और सुजान आए हैं. कमर और सुजान, यस बी इज करेक्ट, आई अप्रिशिएट यू. पर कोई आप में से एक्सप्लेन कर सकता है, बेशक माइक ऑन करके एक्सप्लेन कर दें कि भाई आप लोगों के ख्याल में ऐसा क्यों है. मैं आपको अनम्यूट का दे रहा हूं जी इजाजत, आपके ख्याल में क्यों है. जी जी बोले, शाबाश. माइक ऑन हुए लेकिन किसी की मुझे तक आवाज नहीं पहुंची जी. कोई रीजन दे सकता हो जिन्होंने बी आंसर दिया है, बी इज करेक्ट आंसर, और कैसे करेक्ट है यही सीखना है. चले मैं आप लोगों के माइक से एक बार म्यूट कर रहा हूं ताकि जो है जो थोड़ा सा शोर पैदा हो रहा है वो ना हो, लेकिन आवाज मेरे तक सही नहीं पहुंची. अगर बल्कि बोला ही कोई नहीं है सर, इन्वर्जन टू जस्ट फर्स्ट पार्ट में नहीं होगी. बताता हूं सर, हेल्पिंग वर्ब लाजमी है सर, हेल्पिंग वर्ब लाजमी है बिकॉज ये नेगेटिव सेंटेंस है. नहीं कुछ और है जवेरिया अहमद, अब बात तकरीबन करीब है लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है. मारिया खान, मुझे ये बताएं आपने कहीं पढ़ा हुआ है ये चीज, इन्वर्जन का वर्ड आपने यूज किया, मींस आप थोड़ा सा इन्वर्जन के एलिमेंट से आगाह हैं, दैट्स रियली गुड. तो आते हैं, आपको रूल देते हैं जी. रूल क्या है, रूल के लिए मैं पिछली स्लाइड पर वापस जाऊंगा. आपको जो मैं सर्कल कर रहा हूं जरा उनको गौर करना है. ये नीदर नॉर, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला नंबर फोर पे जो था, ये नो नॉट और बट का पेयर, ये नो सूनर का देन से पेयर, हार्डली स्केसली का वेन और बिफोर से पेयर, ये सारे नेगेटिव. हार्डली का मीनिंग होता है वो मुश्किल ना होने के बराबर, नो सूनर भी नेगेटिव है. ये जो नेगेटिव कोरिलेटिव कंजंक्शन है ना, ये कौन से कंजंक्शन से गौर करें, दीज आर बेसिकली कोरिलेटिव कंजंक्शंस. ये जो नेगेटिव कोरिलेटिव कंजंक्शंस होती है ना, ये जब भी किसी दो क्लॉजेस को ज्वाइन करती है, याद रखना दो क्लॉजेस को ज्वाइन करें, इन्वर्जन होती है. इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन का मतलब जुमले की तरतीब सवालिया होगी, क्लॉज की तरतीब सवालिया होगी. मैं आप लोगों को यहां एग्जाम्पल उसकी दिखाता हूं. ये एग्जाम्पल आपको जो मैंने अभी डिस्कस की थी, नो सुनर आ गया, नो सुनर के बाद भी क्लॉज और देन के बाद भी क्लॉज, इसका मतलब नो सुनर और देन ने दो क्लॉजेस ज्वाइन की. तो जो नेगेटिव हिस्सा है नो सुनर, उसके बाद आई सॉ हिम नहीं लिखा, डिड आई सी हिम लिखा, आई सॉ हिम पॉजिटिव है. आई सॉ हिम का नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या है, आई सॉ हिम का इंट्रोगेटिव सवालिया, डिड आई सी हिम. तो
तो इन्वर्जन कर दी, जुमले की तरतीब सवालिया कर दी। क्यों? क्योंकि नो सूनर जो था वो देन के साथ मिलकर दो क्लॉजेस ज्वाइन कर रहा था, और जब नेगेटिव कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये बात याद रखिए, जब नेगेटिव कोरिलेटिव कंजंक्शन दो क्लॉजेस को ज्वाइन करेंगी इन्वर्जन होगी। नो सूनर डिड आई सी हिम देन ही रैन अवे, जू ही मैंने उसे देखा वो भाग गया, देन ही रैन अवे। तो बच्चा पार्टी, दैट इज वाई ये काम किया, नीदर डज ही वर्क नॉर डज ही अलाउ अस, इसके दोनों साइड पर इन्वर्जन होनी है। क्यों होनी है? कि नीद, ये जो नॉर है ये भी नेगेटिव है, नीदर है ये भी नेगेटिव है। नीदर नॉर वो वाहद कोरिलेटिव कंजंक्शन है जिसके दोनों पार्ट नेगेटिव है, बाकी सबका एक एक पार्ट पहले नेगेटिव है। गौर करें, नीदर के बाद भी क्लॉज थी ही वर्क्स, नॉर के बाद भी क्लॉज थी अलाउज अस, तो नीदर नॉर एक नेगेटिव कोरिलेटिव कंजंक्शन थी, और जब नेगेटिव कोरिलेटिव कंजंक्शन दो क्लॉजेस ज्वाइन करेगी इन्वर्जन होगी, मतलब जुमले की तरतीब सवालिया हो जाएगी। तो नीदर के बाद भी सवालिया तरतीब हेल्पिंग का बाहर आ गया, ही वर्क्स की सवालिया तरतीब क्या होगी? डज ही वर्क। ही वर्कड की क्या होगी? डिड ही वर्क। और यही हमने ही अलाउज अस के साथ भी किया कि डज ही अलाउ अस, और अलाउड होता तो डिड ही अलाउ अस। आई डू होप आपको ये बात समझ आई होगी। चले क्वेश्चन लेता हूं, फिर आप लोगों को एक जुमला और देता हूं। चले, लेक्चर लिया था आपने का जबरदस्त। आई एम गोइंग टू गिव यू पीपल अ सेंटेंस जी। हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। हार्डली आई हैव रीच्ड द स्टेडियम then the match started. Hardly have I reached the stadium then THAN then the match started. Correct करें जी सारे लोग। लिख लिया करें लाजमी। चलो मैं इसको चैट बॉक्स में सेंड कर रहा हूं टू एवरी वन। यस, नहीं जी, आप सबको जुमला आ गया। ओ, हार्डली का एल मिसिंग हो गया जी। दैट्स रियली गुड। कमर, आपने बिल्कुल ठीक आंसर कर दिया है आपने, जबरदस्त। एनीवन एल्स? सेंटेंस आप सबको मैंने शो करवा दिया है। वेरी गुड जवेरिया अहमद, आसिफ अजीज, दैट्स वेरी गुड। रियली गुड जी, रियली गुड, इट्स रियली गुड। चलें जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी करेक्शन होनी है। हार्डली हैड आई रीच द स्टेडियम, गलतियां तीन थी जुमले में, थ्री मिस्टेक्स वर देयर। वो थ्री मिस्टेक्स कैसे थी आइए देखते हैं। लेट मी आंसर टू एवरी वन। पहली मिस्टेक क्या थी कि हैव लिखा हुआ था, यहां हैड आना था, उसकी रीजन जुमला पास्ट में। देन द मैच स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब है ये बात माजी की हुई है, तो हैव नहीं देंगे हम, इधर हैड देंगे। और दूसरी आई हैव नहीं, आई हैड नहीं, हैड आई रीच्ड, हैड आई रीच्ड क्यों? तरतीब जो है वो सवालिया इंट्रोक्टिव क्यों हुई, इन्वर्जन क्यों करनी पड़ी? क्योंकि हार्डली एक नेगेटिव कोरिलेटिव कंजंक्शन है ना, मुश्किल ना होने के बराबर। हार्डली हैड आई रीच द स्टेडियम देन द मैच स्टार्टेड। और आखिरी मिस्टेक क्या है जी? मैंने बोला ना, तीन मिस्टेक थी, एक हैव नहीं आना और दूसरा हैड आना है, तो हैड आना भी आई से पहले, देन से पहले कॉमा भी आना है। ये चीज मजे की आपको एक और ऐड कर रहा हूं। मैंने क्या कहा था सुने गौर से, आई टोल्ड यू पीपल कि जब
कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर जस्ट लाइक कोरिलेटिव कंजंक्शंस। मैं दोबारा दिखाता हूं, डेफिनेशन देखें, आप सबको स्क्रीन पर लिखी नजर आ रही है। कोऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर जस्ट लाइक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विद एन एडिशनल एडवर्बियल एलिमेंट। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन में क्या पढ़ा था, दो क्लॉजेस मिलेंगी तो कॉमा आएगा, बस इसमें एक एडिशनल एडवर्बियल एलिमेंट होता है कि ये पेयर बनाती हैं, बाकी तो सारे वही रूल्स हैं। और अगर वही रूल्स हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको यहां कॉमा देना पड़ गया। गौर करो, यहां भी मैंने कॉमा दिया है, आप गौर करें ये कॉमा क्यों दिया है, ये दोनों साइड पर क्लॉजेस हैं, डज ही वर्क, डज ही अलाउ, तो देन से पहले भी कॉमा आएगा। सॉरी वो देन भी गलत था, एक चीज जो है आप लोगों ने भी उसको नोटिस नहीं किया, मैंने गलती एक और छुपाई हुई थी कि हार्डली आई हैव रीच द स्टेडियम, देन नहीं, पेयर भी वेन से बनता है, वेन या बिफोर से, नो अदर या नो सुनर का पेयर देन से बनता है, आना भी वेन है। तो ये करेक्ट करके मैं आप लोगों को सेंड कर दिया, अगर आप देखें तो अब ये सेंटेंस फुली करेक्ट है, हार्डली हैड आई रीच द स्टेडियम कॉमा When the match started, ये देखो ये pairs आपने याद करने, hardly इस case लिखा किससे pair है, when के साथ या before के साथ, वो तो no sooner या no other है जिसका pair then के साथ है। तो गौर करें sentence के अंदर मैंने बहुत सारी mistakes छुपाई हुई थी, और अब आपके पास एक sentence इस correct form में पहुंच चुका है। लो जी, दरमियान से मैंने दो स्लाइड स्किप करके आगे बढ़ा था, उन दो स्लाइड को भी देखते हैं। सच एज और सच दैट का भी पेयर होता है, अक्सर सच का विच से पेयर बना दिया था, जो गलत है। I like such books which are interesting, गलत है। यहां तो सच का एस से पेयर है या दैट से पेयर है, किसी विच हु से पेयर नहीं आ सकता। सच और एज, मैं ना इसको एक सादा लफ्जों में एक बात बयान करता होता हूं सारे स्टूडेंट्स को, कि सच एज का पेयर और सच दैट का पेयर दोनों तरीकों से, आपने बस ये याद रखना है कि हमारे पास, बल्कि मैं इससे ज्यादा ना इसको इतना नहीं मानता, मैं इससे ज्यादा ये कह रहा होता हूं कि आपने सच एज तब यूज करना है और सच दैट तब यूज करना है जब अगले हिस्से को आप देख लो। अगर तो आगे पूरी क्लॉज है, याद रखना आगे पूरी क्लॉज है, क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट वर्ब दोनों मौजूद हैं, अकेला वर्ब नहीं, दोनों मौजूद है, तो आप सच दैट लगाएं, और अगर आगे पूरी क्लॉज नहीं है तो फिर आप सच दैट लगाएं, एज लगाएं, सच एज। तो इन दोनों में आई लाइक सच पर्संस एज आर ऑनेस्ट, आगे एज के बाद पूरी क्लॉज नहीं थी, आर ऑनेस्ट पूरी क्लॉज नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, इसमें भी सच वाज इज एम, तो आप गौर करो आगे पूरी क्लॉज नहीं है, तो एज कुड नेवर बी अचीव, कुड नेवर बी अचीव पूरी क्लॉज नहीं है, तो दोनों में सच एज करेक्ट था। मैं आपको एक सेंटेंस लिखवाता हूं, सर विंस्टन चर्चिल का लिखा हुआ लेसन है, फर्स्ट ईयर एट हैरो, उससे एक लाइन है, अक्सर लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा, कभी अगर ये लेसन अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है कि वी वर कंसिडर्ड सच डंसीज, अगर आपने लेसन पढ़ा है आपकी इंटरमीडिएट की बुक्स में भी है तो आपको वहां ये नजर आ जाएगा, सेकेंड ईयर की बुक में, इंटरमीडिएट की पीबीटीई की बुक में है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की पीटीबी, सॉरी, ओके, वी वर कंसिडर्ड सच डंसिस दैट वी कुड लर्न ओनली इंग्लिश, अगर आप उसको निकाल के देखो, वी वर कंसिडर्ड सच, सच आ गया, तो वी वर कंसिडर्ड सच डंसिस दैट वी कुड लर्न ओनली इंग्लिश, ऐसे निकम्मे समझा जाता था कि हम सिर्फ अंग्रेजी सीख सकते थे, दैट वी कुड लर्न ओनली इंग्लिश, तो आपने दैट लगाया, क्यों लगाया दैट, क्योंकि आगे पूरी क्लॉज थी, वी कुड लर्न ओनली इंग्लिश, कि हमें ऐसे निकम्मे समझा जाता था कि हम सिर्फ अंग्रेजी सीख सकते थे। और सर विंस्टन चर्चिल वॉज अ ग्रेट राइटर जी, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर भी मिला था उन्हें, दो बार इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर भी रहे, एक बहुत अच्छे राइटर भी थे, और इतने अच्छे राइटर थे कि उन्होंने नोबेल प्राइज भी लिया था फॉर लिटरेचर। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं, सेम एज और सेम दैट का पेयर कब यूज होता है, जैसे सच एज और सच दैट का पेयर है, सेम एज और सेम दैट का पेयर, सेम एज का पेयर यूज करना है जब कंपैरिजन हो, और सेम दैट का पेयर यूज करना है जब कंपैरिजन ना हो। चले मैं इसको मजीद नहीं समझाऊंगा,
मुझे सिर्फ ये बताएं कि नीचे वालों में से कौन सा सेंटेंस वन में कौन सा करेक्ट है ए और बी में से, और टू में कौन सा करेक्ट है ए और बी में से. दिस इज द सेम बुक एज आर्स, दिस इज द सेम बुक दैट आर्स, दिस इज द सेम बॉय एज गॉट फर्स्ट प्राइज, दिस इज द सेम बॉय दैट गॉट फर्स्ट प्राइज. बोलें जी, वन में अल्फा बीटा और टू में अल्फा बीटा, रूल है कंपैरिजन, सेम एज में जुमले में कंपैरिजन होगा, और सेम दैट तब यूज करना जब जुमले में कंपैरिजन नहीं होगा. लो जी, कमर का आंसर आ गया है. कमर, सेंटेंस वन का भी आंसर बताना है, सेंटेंस टू का भी आंसर बताना है. आप अगर आपने सिर्फ एक लिखकर भेजा आंसर, आपका क्या ये कहने का मतलब है, दोनों का ए आना है, तो दोनों का ए आना है तो आपने दोनों जगह फिर सेम के साथ एज का पेयर बना दिया भाई. टू का बी आना है जी, हाफिज आसिफ कह रहे. और अपने आंसर सोचें जी, देन आपको बताता हूं कि क्या आना था. शाबाश, आंसर्स नहीं आ रहे स्टूडेंट्स. आ गया जी रुबाब, कमर, सुजान, ठीक है ठीक है ठीक है. किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, वन का ए, टू का ए. साजिद अली, फिर तो आपने दोनों का ये कर दिया. लो जी, मैं समझाता हूं, दिस इज द सेम बुक, ये वही किताब है, वैसी ही किताब है, वैसी ही किताब है जैसी हमारी है. कितनी बुक्स हुई बताइए, कितनी बुक्स हुई इस पहले जुमले में, दिस इज द सेम बुक एज आर्स, दो किताबें हुई. कि ये भी वैसी ही किताब है जैसी हमारी है, तो दो हुई, तो दो के अंदर कंपैरिजन हो गया. वन वन, कंपैरिजन के लिए दो का होना जरूरी है, तो ये हो गया, ये तो वैसी ही किताब है जैसी हमारी है. तो बेटा आपका इसका अल्फा करेक्ट है, जब कंपैरिजन हो तो सेम एज आता है. यहां सेम दैट आना है, नो कंपैरिजन. कंपैरिजन कम से कम दो चीजों को, दो चीजों में होता है. दिस इज द सेम बुक बॉय दैट गॉट फर्स्ट पोजीशन. कितने लड़के हैं इस जुमले में, ये वही लड़का है जिसने पहली पोजीशन हासिल की. इस जुमले में बंदा ही एक है, तो कंपैरिजन किससे होना है, देयर इज नो कंपैरिजन. और चूंकि कंपैरिजन नहीं है तो आप सेम दैट यूज करेंगे. ये ले जी, नो कंपैरिजन, सादा सा रूल था. अच्छा एक जुमला और देता हूं, अहमद इज वेयरिंग द सेम शर्ट डैश ही वोर ऑन फ्राइडे, दैट ही वोर ऑन फ्राइडे कि एज ही वोर ऑन फ्राइडे. अहमद इज वेयरिंग द सेम शर्ट आज एज ही वोर ऑन फ्राइडे के दैट ही वोर ऑन फ्राइडे. जी जी, माइक ऑन किया था सुजान, आपने बोले सर आज वेयरिंग फ्राइडे आज सर, दैट 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 सर, नो कंपैरिजन, दैट दैट कंपैरिजन नहीं हुआ. देखो एक ही शर्ट है, उसने वही शर्ट पहनी हुई है जो उसने फ्राइडे को पहनी थी. अहमद इज वेयरिंग द सेम शर्ट. चले एक और लेते हैं कि मारिया इज वेयरिंग द सेम शर्ट डैश सायरा हैज. मारिया इज वेयरिंग द सेम शर्ट डैश सायरा हैज एज सायरा हैज. अब दो शर्ट्स हो गई, कंपैरिजन हो गया के मारिया ने वैसी ही शर्ट पहनी हुई है जैसी के सायरा के पास है. कंपैरिजन हो गया तो सेम एज, और पहले जुमले में कंपैरिजन नहीं हुआ, एक ही शर्ट है कि यू आर वेयरिंग द सेम शर्ट एज यू वोर ऑन फ्राइडे, तुमने वही पहनी है जो फ्राइडे को पहनी थी. बंदा ही एक है और शर्ट ही उसकी एक है, भाई तुमने वही पहन लिया जो फ्राइडे को पहनी हुई थी. तो अब आप दैट लगाएंगे, और इसमें चूंकि एक मायरा मारिया की शर्ट है और एक सायरा की शर्ट है,
these are two, so hum as lagayenge because now there is comparison. Challenge, that's really good ji, really really good. Rubab, Zabardast, Khali sahab, Kamar, everyone ji. Hum aap logon se thoda sa kaam karwate hain, ye thodi si practice karte hain. She is neither polite dash funny or not yet. Answer karein ji. शाबाश शाबाश, नॉर, वेरी गुड, नॉर नॉर जहर है, हमें नॉर देना है, नीदर का पेयर ही नॉर से होता है, दैट्स रियली गुड. आगे बढ़ते हैं जी, ये सेंटेंस में आप ब्लैंक्स फिल करके दिखाएंगे कि आपको लिखा मिल रहा है कि हैव यू मेड अ डिसीजन अबाउट डैश टू गो टू मूवीज डैश नॉट. जी सी, देखो बी और सी में लड़ाई ज्यादा हो जाएगी, आइदर टू गो टू द मूवीज और नॉट के वेदर टू गो टू द मूवीज और नॉट. आपको वेदर और आइदर और का यूसेज सिखा रहा हूं असल में, कि डिफरेंस क्या है, कि वेदर और कब यूज करना है और आइदर और कब यूज करना है, या इधर और भी पढ़ती है. सब सी पे हैं जी, दैट्स रियली गुड एंड यस आंसर इज सी. अब आइदर और वेदर और में क्या फर्क है? वेदर और हम यूज करते हैं जब हम असल में हमारी टोन सवाल में होती है. वेदर वेदर अक्सर आपने देखा होगा इंटरप्टिव जुमलों में, डायरेक्ट इंडेक्ट में आपने यूज करते हैं, अपने आप को अक्सर देखा होगा कि ही आस्क्ड मी वेदर यू विल अकम्पनी मी, वेदर यू विल अकम्पनी मी और नॉट. तो जब जुमले में एक इंटरप्टिव टोन, और अगर वो इंटरप्टिव टोन ना हो तो हम इधर और या आइधर और कह लें उसका यूज कर रहे होते हैं. आइधर असलम और अक्रम विल गो, असलम या अक्रम में से कोई एक जाएगा, ठीक है जी. तो नेक्स्ट आते हैं डैश हैड आई पुट माई अम्ब्रेला अवे, इट स्टार्टेड रेनिंग. मजे का है जी, आपको मीनिंग भी सीखने को मिलेगा. अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, नो सूनर देन, इफ देन, व्हाट विद एंड और नीदर नॉट. और जुमले में इन्वर्जन भी हुई है, इन्वर्जन से एक पता लग गया कोई ना कोई नेगेटिव चीज ही आनी है, क्योंकि इन्वर्जन होती जब नेगेटिव है. आई हैड पुट नहीं, हैड आई पुट है. अल्फा या डेल्टा में से आपको कोई एक चीज लेनी पड़ेगी. अल्फा 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 एंड इट्स अल्फा जी. नो सूनर का मतलब होता है जू ही. क्या मतलब होता है नो सुनर का स्टूडेंट्स? जू ही. तो नो सुनर हैड आई पुट माय अम्ब्रेला अवे, कि जू ही मैंने अपनी छतरी परे रखी, देन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो बारिश शुरू हो गई. कि जैसे छतरी परे रखी है बारिश शुरू हो गई, बारिश पड़ने लगी. ये करें, दिस सैलेड इज डैश डिलीशियस डैश हेल्दी, वेदर और बोथ एंड स्केसली वेन रादर देन. जी जी बीटा बीटा, दैट्स रियली गुड. तो दिस सैलड इज बोथ डिलीशियस एंड हेल्थी. कि देखो सैलड है वो मजे का भी होता है और हेल्दी भी होता है, अक्सर यूजली सारे सैलड. ये नहीं आप कह सकते कि या तो डिलीशियस है या हेल्दी है. बंदा कुछ डिलीशियस और हेल्दी कोई ऐसी चीजें नहीं है जो सेपरेट है, कि जो डिलीशियस होगा वो हेल्दी लाजम नहीं होगा, जो हेल्दी होगा वो डिलीशियस नहीं होगा. कि या तो डिलीशियस है या हेल्दी है, तो चॉइस है दोनों में से एक, या है या ये है या वो है, अदरवाइज एक तो माइनस हो गई, तो ऐसा नहीं है. एंड दैट इज कंजंक्टिव एडवर्ब. हमने कल कंजंक्शंस को बेसिकली देखा था. कंजंक्टिव एडवर्ब क्या होता है जरा इसको हम देख लेते हैं. तो व्हेन द जॉब ऑफ एन एडवर्ब इज टू कनेक्ट आइडियाज वी कॉल इट कंजंक्टिव एडवर्ब. एक एडवर्ब जब ज्वाइन का काम शुरू कर दे तो उस एडवर्ब को कंजंक्टिव एडवर्ब कहते हैं. मतलब वो एडवर्ब है और ज्वाइनिंग भी कर रहा है. जरा कंजंक्टिव एडवर्ब को एक बार देखते हैं. अकॉर्डिंगली, हाउएवर, ननदलेस, आल्सो, इंडीड, अदरवाइज, बिसाइड्स, ठीक हो गया जी. ये सारे बेसिकली कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं. तो ये करते क्या है? इनकी असल करेक्शन इनकी पंक्चुएशन है. असल इनकी असल करेक्शन मैंने बोला इनकी पंक्चुएशन है.
आइए यूज करते हैं सेमीकॉलन का इस्तेमाल। सेमीकॉलन का इस्तेमाल हम कब करते हैं इनमें, जब कंजंक्टिव एडवर्ब सेंटर में हो और दोनों तरफ मेन क्लॉज हो। मेन क्लॉज का मतलब दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों तरफ, तो हम कंजंक्टिव एडवर्ब का यूज कर रहे होते हैं। शी एट बेरीज, हाउएवर दोज गेव हर अ रैश। शी एट बेरीज, हाउएवर दोज गेव हर अ रैश। तो देखो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, शी एट बेरीज, दोज गेव हर अ रैश, दोनों अलग अलग लिखी जा सकती हैं। हाउएवर दरमियान में आया है कंजंक्टिव एडवर्ब, दो क्लॉजेज को ज्वाइन कर रहा है। आप पहले सेमीकोलन लगाएंगे और बाद में आप कॉमा पुट करेंगे, पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा। शी एट बेरीज, हाउएवर दोज गेव हर अ रैश। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। दूसरी बात, जब ये विद इन अ क्लॉज आए, जब दो क्लॉजेस जोड़ना रहे हूं, अगर ये कंजंक्टिव एडवर्ब विद इन अ क्लॉज आ जाए तो याद रखना है, तो आप इसके दोनों साइड पर कॉमास लगाएंगे। गौर करते हैं, ये बात देखते हैं, इस चीज को सीखते हैं। दिस यंग मैन इज डिटर्मिंड, दिस यंग मैन इज डिटर्मिंड टू टेक हर टू डिनर वन नाइट सून। तो गौर करें, नेवरदलेस दरमियान में आ गया और ये दूसरी साइड पर क्लॉज नहीं है। आप गौर करें, टू टेक हर टू डिनर वन नाइट सून कोई क्लॉज नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है तो क्लॉज होती है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं तो क्लॉज ही नहीं। तो इसका मतलब ये हमारा दूसरी तरफ क्लॉज नहीं है, ये एक ही जुमला है और उस एक ही जुमले के अंदर अगर आ गई है तो आप दोनों साइड पर कॉमास देंगे। और तीसरी और आखिरी बात इसके अंदर कि अगर ये किसी क्लॉज के या जुमले के शुरू में आ जाए, अगर जुमले के स्टार्ट में हो तो इसके बाद सिर्फ कॉमा लगा दिया जाता है। कॉन्सिक्वेंटली ही अचीव्ड हिज एम, कि बिलाकर उसने अपना मकसद हासिल कर लिया। तो जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं वैसे आगे बढ़ता हूं, अदरवाइज जी एज और लाइक का डिफरेंस आपने देखा है। एज और लाइक हम की तरह के मीनिंग में अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, की तरह, ठीक हो गया जी। तो ये की तरह का मीनिंग क्या है, इसको जरा फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम बात करें, द वर्ड लाइक इज अ प्रेपोजिशन, नॉट अ कंजंक्शन। तो गौर करते हैं, तो अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को इंट्रोड्यूस करेगी। अच्छा, प्रेपोजिशन की डेफिनेशन याद होगा आपने पढ़ी थी, मैं सादा करता हूं बातें, डिफिकल्ट ग्रामेटिकल लैंग्वेज में बच्चों को समझ नहीं आ रही होती, हमें कौन सा रूल पूछना है, हमें तो अप्लाई करना है। लाइक और एज का मीनिंग जब की तरह हो तो हमें डिसाइड रूल है जिसमें हमें फैसला करना है कि कब लाइक यूज करना है, कब एज। मैं एक जुमला देता हूं, ही इज एज माई ब्रदर, के ही इज लाइक माई ब्रदर, बताएं, he is as my brother, he is like my brother, क्या ठीक रहेगा? like like as के आंसर भी आया एक जी। अच्छा जी, तो he is like my brother आना है, as नहीं आना, क्यों? ये सीखना। लाइक एक प्रेपोजिशन है, ये आपको लिखी हुई बात नजर आ रही है, जब की तरह का मीनिंग आता है, मेरे भाई की तरह है, मेरे भाई जैसा है। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड पुट बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेम सेंटेंस, कि ये नाउन प्रोनाउन से पहले आती है। तो अगर आप के जुमले में लाइक के बाद सिर्फ एक नाउन प्रोनाउन हो या नाउन फ्रेज हो सिर्फ, तो आप लाइक यूज करेंगे, आप एज यूज नहीं करेंगे। और अगली साइड पर अगर पूरी क्लॉज मौजूद हो, अगली साइड पर अगर पूरा जुमला मौजूद हो तो एज यूज करेंगे। देखते हैं जी, माई ब्रदर इज टॉल लाइक माई फादर, आप गौर करें, लाइक के बाद सिर्फ नाउन है, लाइक माई फादर, मेरे भाई की तरह, ही इज टॉल लाइक माई फादर, मेरे भाई की तरह लंबा है। लेकिन दूसरी तरफ आप गौर करें, माई ब्रदर कैन नॉट प्ले द पियानो, लाइक नहीं, एज ही डिड बिफोर द एक्सीडेंट, एज ही डिड बिफोर द
accident. My brother cannot play the piano as he did before the accident. मेरा भाई पियानो नहीं खेल सकता जैसा कि उसने एक्सीडेंट से पहले किया. क्यों? एज के बाद पूरी क्लॉज आई, ही डिड बिफोर द एक्सीडेंट. तो चूंकि एज के बाद पूरी क्लॉज आई है तो आप एज यूज करेंगे. आप लाइक देखो मैंने क्रॉस किया होगा. और नीचे एक और एग्जांपल, शी फॉट एज अ टाइग्रस डज. वो ऐसे लड़ी जैसे कोई चीती लड़ती है, वो वैसे लड़ी. तो एज अब आएगा क्योंकि टाइग्रस सब्जेक्ट डज वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब आएगा तो पूरी क्लॉज है तो आप एज यूज कर रहे होंगे. I do hope कि आपको ये मेरी बात समझ आ रही होगी. अच्छा जी, यहां तक आप लोगों को बात समझ आ गई है स्टूडेंट? कोई क्वेश्चन एज और लाइक के डिफरेंस में पूछने वाला? देन एक क्वेश्चन आया हुआ है कल वाले टॉपिक से, वो मैं जरा बात कर लूं. ज्वेरिया बाबर ने पूछा है, अगर अभी यहां इस स्लाइड से कोई क्वेश्चन है, She fought like a tigress. Yes, Zishan, very good. She fought like a tigress. अगर does ना आता तो yes, she fought like a tigress. क्योंकि आगे सिर्फ noun रह जाना था तो हमें like लगाना पड़ना था, और पूरी clause आ गई तो as लगा दिया. बिल्कुल ठीक है Zishan. Yes, Javeria Babar, आपके question का answer देते हैं जी. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ती हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? इन्होंने पूछा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो भी दो क्लॉजेस जोड़ती हैं, और जो हमारी होती हैं कंजंक्टिव एडवर्ब भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ सकता है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको बताई थी, जैसे ये फैन बॉयज है, ये फैन बॉयज जब दो क्लॉजेस को जोड़ेंगे, ये फैन बॉयज जब दो क्लॉजेस को जोड़ेंगे तो आप इनसे पहले कॉमा लगाएंगे, लेकिन अगर कंजंक्टिव एडवर्ब्स, जाहिर है वो फैन बॉयज तो नहीं है, वो फॉर एंड बट नॉट येट सो तो नहीं है, जब ये दो क्लॉजेस के बीच में आएंगे तो पहले सेमीकॉलन और बाद में कॉमा आएगा, आई डू होप कि आपको ये बात अच्छी ज्वेरिया समझ आ गई होगी. तो जाहिर है इनकी शक्ल में भी फर्क है और इनके यूसेज में भी थोड़ा सा फर्क है. हाँ, ऑल द फंक्शन सेम कर जाती हैं. अनलेस और अनटिल का एक डिफरेंस, ये भी अक्सर कंजंक्शन के तौर पर आ जाते हैं. अनलेस एंड अनटिल दोनों जो हैं वो अक्सर हमें इफ नॉट का मीनिंग देती हैं. पहली बात जो आपने याद रखनी है कि डोंट यूज एन अदर नॉट इन द क्लॉज विद अनलेस अनटिल. जिस क्लॉज में अनलेस अनटिल आया हो, जिस क्लॉज में वो मौजूद हो अनलेस अनटिल, बस ये याद रखना है कि आपने किसी भी सूरत उस क्लॉज में दोबारा नॉट यूज नहीं करना. एक मिनट जी, जहांगीर काकड़ साहब, लिंक उनसे गुम हो गया है तो उनको मैं जरा लिंक जल्दी से सेंड कर दूं. ही वांट्स टू ज्वाइन क्लास, लेकिन वो कह रहे हैं कि सेल फोन उनको लूज हो गया था, उन्होंने मुझे अभी कॉल की है. जब कभी मैं क्लास में हूं या मैं रब्ता ना कर पा रहा हूं तो रिजवान साहब से रब्ता कर लिया करें, क्योंकि मैं अक्सर क्लास के अंदर नहीं यूज कर रहा होता अपना जो है फोन. चलें जी, जहांगीर साहब को मैसेज पहुंच गया आई थिंक, वो सीन कर लेंगे. नेक्स्ट हम जो है वो आगे बढ़ते हैं जी, कि नॉट तो नहीं आना, फिर अनलेस कब आना और अनटिल कब आना है. अनलेस आना है अगर इफ नॉट का मीनिंग आए, इफ नॉट का मतलब अगर उस जुमले में मैं अनलेस उतार के इफ नॉट लगा सकता हूं. मारिया खान, कंजंक्शन का टॉपिक चल रहा है, आप लेट ज्वाइन किया शायद, आप कल नहीं थे. कंजंक्शन की सेंटेंस करेक्शन चल रही है, सेंटेंस करेक्शन कंजंक्शन. अगर जुमले में इफ नॉट आप लगा सकते हैं तो आप अनलेस लगा दें. नीचे जुमला देखते हैं, अनलेस यू स्टार्ट अर्ली यू विल मिस द ट्रेन. जब तक तुम जल्दी सुबह स्टार्ट नहीं करते तुम गाड़ी मिस कर दोगे.
अब इस जगह इफ नॉट लगा के देखते हैं, अगर इफ नॉट आ गया तो अनलेस बिल्कुल करेक्ट है, अगर ना आया तो अनलेस करेक्ट नहीं है, ये हमने चीज सीखी। इफ यू डू नॉट स्टार्ट अर्ली यू विल मिस द ट्रेन, देखो बिल्कुल ठीक हो गया, इफ यू डू नॉट स्टार्ट अर्ली, कि अगर तुमने सुबह जल्दी स्टार्ट नहीं करोगे, जल्दी नहीं चलोगे तो ट्रेन मिस हो जाएगी, तो अनलेस बिल्कुल करेक्ट। अंटिल एक प्रेपोजिशन भी हो सकता है और अंटिल एक कंजंक्शन भी हो सकता है, अगर अंटिल के दोनों साइड पर एक पूरी क्लॉज हो तो कंजंक्शन है और आगे नाउन हो तो प्रेपोजिशन, वही एज और लाइक का फर्क, कि अंटिल को प्रेपोजिशन कब कहना है, जब आगे सिर्फ नाउन या नाउन फ्रेज हो, प्रोनाउन हो, और कंजंक्शन कब कहना, जब दोनों साइड पर एक पूरी क्लॉज आ सकती हो। ही वेटेड अंटिल मॉर्निंग, देखो मॉर्निंग एक टाइम है, ये अंटिल टाइम को शो करता होता है, अप टू अ टाइम दैट, अप टू या बिफोर द टाइम, एक वक्त तक या उस वक्त से पहले पहले, तो ये टाइम को शो कर रहे होते जो ये अप टिल वगैरह होते। तो शी स्लीप अंटिल इट गेट्स लाइट, स्लीप अंटिल इट गेट्स लाइट, वो भी करेक्ट है। देखो ऊपर वाले में भी टाइम था, मॉर्निंग एक टाइम है, के ही वेटेड अंटिल मॉर्निंग, और देखो इधर मैं अनलेस नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अनलेस लगाता हूं तो इफ नॉट भी आना चाहिए। ही वेटेड इफ इट डज नॉट मॉर्निंग, ये क्या मतलब इफ इट डज नॉट मॉर्निंग, ये तो गलत हो गया। स्लीप अंटिल इट गेट्स लाइट, रोशनी होने तक सोए रहो, इधर भी अनलेस नहीं आ सकता क्योंकि इफ नॉट नहीं आ सकता, लगा के देखते हैं। स्लीप अनलेस इफ इट गेट्स लाइट को इफ नॉट करते, इफ इट डज नॉट गेट लाइट, के सो अगर सूरज नहीं निकलता, अब ये क्या मतलब कि सो इफ इट डज नॉट गेट लाइट, इफ नॉट हम नहीं लगा पाए क्योंकि मफहूम ही ठीक नहीं बन पाया, मीनिंग नहीं ठीक पाया, ठीक हो गया जी। तो ये बच्चे आपका अनलेस अनटिल का एक डिफरेंस, ऑल द मीनिंग एक जैसा होता है लेकिन हम डिफरेंट सिचुएशन में यूज करते हैं। अच्छा, ही वेटेड टिल मॉर्निंग, अनटिल मॉर्निंग, ये फर्क नेगेटिव और पॉजिटिव का है जिशान। टिल मतलब सुबह होने तक इंतजार किया, और अनटिल मॉर्निंग जब तक सुबह ना हो गई इंतजार करता, टिल सुबह तक और अनटिल जब तक सुबह ना हो गई वो इंतजार करता रहा। जिशान साहब की, खाला साहब की कॉल आ रही है जी, एक मिनट, हमारे क्लास मेंबर ही हैं, लेट मी अटेंड इट। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूं, मैं ही हूं, लेकिन अभी मैं क्लास में हूं ऑनलाइन, तो बाद में ना बात कर लें। हाँ चले, ठीक हो गया, ठीक, ओके। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, बस एंड होने वाला है जी हमारा काम, देन हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो दैट के साथ यूजुअली हम मे फर्स्ट फॉर्म लगा रहे होते हैं, ये ऑल द वर्ब में हमने जाके सीखेंगे। ही वर्कड हार्ड सो दैट, ही वर्कड हार्ड सो दैट, चूंकि एक तरह का ये पेयर बन जाता है तो इसलिए हम कंजॉइनिंग में अक्सर पढ़ा देते हैं, सो दैट ही माइट पास। और अगर इधर वर्क हार्ड होता ना, ये वर्क था तो माइट कर दिया, अगर वर्क होता तो सो दैट ही मे पास, उसने मेहनत की ताके पास हो जाए उस, और वो मेहनत करता है ताके पास हो जाए, तो वो मे आ जाना था, वर्कड है तो माइट आ गया। तो आई डू होप कि आपको ये बात क्लियर पूरी तरह से हो गई होगी। नेक्स्ट आते हैं, लेस्ट के साथ आप हमेशा शुड यूज करते हैं, ठीक है जी। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, मेहनत करो ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, लेस्ट यू शुड फेल। गौर करें, लेस्ट वाले जुमले में शुड आता है और नॉट नहीं लगाना, लेस्ट का अपना मीनिंग होता है ऐसा ना हो कि, लेस्ट देखो शुड से पेयर बना रहा है, सो दैट मे फर्स्ट फॉर्म या, और अगर पीछे पास्ट है तो माइट फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट जो बात हमारी है वो असल में हम एडजेक्टिव के टॉपिक में भी पढ़ेंगे, कि अगर आपको एडजेक्टिव से पहले टू नजर आ जाए, एडजेक्टिव से पहले टू नजर आ जाए तो उसके आगे इन्फिनिटिव जरूर देना है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जरूर देनी। देखो ये कंजॉइनिंग, हम कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं,
तो आगे टू फर्स्ट फॉर्म जरूर देनी है. ही इज टू वीक टू वॉक, शी इज टू वीक टू वॉक. वो इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती. शी इज टू वीक टू वॉक, टू वीक टू वॉक. इतनी कमजोर है कि चलना महाल है, कि वो चल नहीं सकती. तो आई डू होप कि आपको यहां से भी इसकी काफी समझ आई होगी कि टू वीक टू वॉक ये नेगेटिव मीनिंग हो जाता है नॉट के बगैर ही. ही इज टू डल टू अंडरस्टैंड. डल भी एडजेक्टिव है, डल मैन, डल बॉय, वीक पर्सन, वीक बॉय. तो देखो खूबी है. तो आगे इन्फिनेटिव जरूर आता है. लो जी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन. अच्छा कोई क्वेश्चन है अभी तक इसमें से तो ठीक पूछे, नहीं तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. जी स्टूडेंट्स, बाकी हमारा आज का काम सारे कंजंक्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम इधर डिस्कस करेंगे. मैंने फैसला किया जी प्रैक्टिस क्वेश्चन लेक्चर में डिस्कस किया करें, अक्सर बाद में बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन का हिस्सा हुआ करेंगे. जी लेक्चर का ही. एनी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स? नो सर, थैंक यू. लें जी फिर आप लोगों से ही काम करवाना है ये सारा. मैंने आप चैट बॉक्स खोल के मैंने अपने सामने रख दिया है, मुझे बताएं कौन सा करेक्ट है. अनलेस और अनटिल का मारिया कह रही है सर थोड़ा सा ब्रीफ बता दें. बस इतना याद रख लेना है अनलेस जब लगाना है जब इफ नॉट का मीनिंग हो, और अनटिल लगाना है जब आगे टाइम तक का बात हो रही हो. तो देखो अनलेस यू स्टार्ट अर्ली यू विल मिस द ट्रेन. तो इफ यू डू नॉट स्टार्ट अर्ली का मीनिंग दे रहा है कि इफ यू डू नॉट स्टार्ट अर्ली, कि अगर तुमने जल्दी सुबह ना चले तो. ही वेटेड अंटिल मॉर्निंग, तो मॉर्निंग एक टाइम है. अनलेस नहीं लगाना. स्लीप अंटिल इट गेट्स लाइट, ये भी टाइम है कि जब तक रोशनी नहीं होती सोए रहो. इफ नॉट तो आई नहीं रहा, इफ नॉट तो कंडीशन देता है कि अगर रोशनी नहीं होती सोए रहो, तो ये तो मीनिंग ही खराब हो जाएगा. इफ नॉट हम नहीं दे पाए कि अगर रोशनी नहीं होती सोए रहो, अगर सुबह नहीं होती सोए तो सुबह होनी होनी है.